आप लोग एक्सट्रीम के एक फ्रेश न्यू वीडियो पे आपको एक बार फिर से स्वागत है गाइस। गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं हम लोग कैसे क्राउस वार्मडेव हेडशॉट मार सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस क्लिप के अंदर दिखाया है, मैंने हर एक शॉट मैंने क्राउस करके ही मारा है। और गाइस जिन बंदे को क्राउस वार्मडेव हेडशॉट क्या होता है ये मालूम नहीं है तो इन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ गाइस। क्राउस वार्मडेव हेडशॉट वो वार्मडेव हेडशॉट होता है जब हम लोग फायर करते हैं, फायर करने के तुरंत बाद ही हम लोग जो बैठने का बटन है यहाँ पे होता है, बैठने का बटन को हम लोग दबा देते हैं तो ऑटोमेटिक वार्मडेव हेडशॉट करने का बहुत ज्यादा चांस होता है। गाइस बहुत ज्यादा फायदा है अगर आप लोग क्राउस वार्मडेव हेडशॉट मार लेते हो। और आप लोग ग्लू वॉल भी बहुत ज्यादा आसानी से लगा सकते हो बैठ के, जो 360 ग्लू वॉल है वो भी लगा सकते हो। और क्राउस वार्मडेव हेडशॉट सीखने से आप लोगों का बहुत ज्यादा गेम प्ले में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा, आप लोग मूवमेंट भी बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हो, तो इसीलिए हम लोग क्राउस वार्मडेव हेडशॉट यूज करते हैं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो गाइस इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिर्फ 7 मिनट लूंगा आपसे। अगर 7 मिनट आप लगा देते हो इस वीडियो को देखने में तो आपका गेम प्ले ओपी लेवल का हो जाएगा और आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा गाइस। तो गाइस एकदम एंड तक देखिएगा इस वीडियो को और गाइस दबा के लाइक कीजिएगा क्योंकि एक लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। आज का वीडियो का इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम लोग 2000 लाइक। और गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज अपलोड करता रहता हूँ गाइस। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग पहले जान लेते हैं क्रॉस करके फायर करने से क्या होता है गाइस। क्रॉस करके फायर करने से हम लोगों का गोली सीधा हेड पे चला जाता है गाइस। ऐसा क्यों होता है गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे इस क्लिप के अंदर देख सकते हो, अगर आप लोग सीधा यहाँ पे खड़ा होके फायर कर दिया होता तो सीधा मतलब एनिमी के बॉडी पे ही अटक जाता आपका जो गोली है। और गाइस आप लोगों को मालूम है कई बार हम लोगों का ड्रैग नहीं हो पाता है, प्रॉपर ड्रैग नहीं होने से हम लोगों का बॉडी शॉट ही लगता है, आप लोगों को मालूम होगा। तो गाइस यही पे रिस्क नहीं लेना है हम लोगों को, हर बार तो ड्रैग हो जाए ऐसा तो नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत बाद हम लोग गोली फायर करते हैं, तुरंत बाद ही हम लोग बैठ जाएंगे। बैठने से क्या होगा, यही पे होता है क्राउस वार्मडेव हेडशॉट, ठीक है। गोली चलाने के बाद तुरंत बाद अगर आप बैठ जाते हो तो आपका पोजीशन कुछ ऐसा हो जाता है और एनिमी का पोजीशन कुछ ऐसा होता है तो आपका गोली सीधा नहीं जाएगा, आपका गोली थोड़ा ऊपर जाएगा, तो आपका जो हेड है आपका जो गोली है हेड पे लगने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। और हम लोग जब फ्री फायर के अंदर क्राउस वार्मडेव हेडशॉट मार के जब गन एक्सचेंज कर लेते हैं, हमारा मिली वेपन पे स्विच करते हैं, तब हमारा जो मूवमेंट है बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। गाइस इस क्लिप के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, मैं जैसे ही एनिमी को देखा उसके बाद फायर किया, तुरंत बाद ही बैठ गया, ठीक है। इस क्लिप के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, मैं एनिमी को देखा उसके बाद फायर किया, तुरंत बाद ही बैठ गया, ठीक है। तो बैठने से क्या होता है, आपका वन टाइम हेडशॉट लगने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गाइस, ठीक है। तो क्रॉस वन टाइम हेडशॉट सीखना बहुत ही मतलब अच्छा होगा आपके लिए। और गाइस क्रॉस वन टाइम हेडशॉट मारने का और एक फायदा ये है गाइस, आप लोग 360 ग्लू वॉल लगा सकते हो। जैसे कि इस क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हो, मैंने जब पहली बार फायर किया तो मेरा गोली एनिमी के सीने पे नहीं लगा, तो यहाँ पे क्या किया मैंने बैठ के ग्लू वॉल लगा लिया, ठीक है। बैठने का यही फायदा है गाइस, गोली चलाने के तुरंत बाद बैठने के यही फायदा है। ग्लू वॉल आप आसानी से लगा सकते हो बैठ के, 360 वाला ग्लू वॉल, उसके बाद तुरंत बाद ही आप लोग वार्मडेव हेडशॉट दे सकते हो फिर से, ठीक है। ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम का है गाइस, ठीक है। तो गाइस ट्रिक के ऊपर बढ़ते हैं, हम लोग कैसे क्राउस वार्मडेव हेडशॉट मार सकते हैं गाइस। तो गाइस आप लोगों क्या करना है, आप लोगों का पोजीशन के हिसाब से, आप लोग अगर टू फिंगर है तो टू फिंगर यहाँ पे बिठा सकते हो, यहाँ पे बिठा सकते हो। मैं टू फिंगर जब था मेरा जो बैठने का बटन था, बैठने का बटन यही पे था, और आप लोग भी यही पे बैठा सकते हो, या फिर आप लोग यही पर यहाँ पर भी मतलब राइट साइड पे भी आप लोग बैठा सकते हो, आप लोगों का जहाँ पे कंफर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको बैठने का बटन जो है, बैठने का बटन को आपका कंफर्टेबल के हिसाब से बता लेना है। उसके बाद जब आपको एनिमी देखे, एनिमी देखने के तुरंत बाद ही आपको फायर करना है, आपको मालूम होगा आपको फायर करना है। फायर करने के तुरंत बाद ही आपको बैठने का बटन को दबाना है, सेकंड में बैठने का बटन, उसके बाद क्विक वेपन स्विच को दबाएंगे, उसके बाद रन बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका क्राउस वार्मडेव हेडशॉट बहुत ही ओपी तरीके से लगेगा गाइस, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। आपको क्या करना है, जब भी एनिमी देखे आपको फायर करना है, फायर करने के तुरंत बाद ही, फायर करने के तुरंत बाद ही आपको मतलब दो नंबर पे दबाना है, मतलब बैठ जाना है आपको। बैठने के तुरंत बाद ही आपको क्विक वेपन स्विच को दबाना है, बहुत ही फास्ट तरीके से करना पड़ेगा। क्विक वेपन स्विच दबाने के तुरंत बाद ही आप लोग भाग जाएंगे तो आपका वार्मडेव हेडशॉट ऑटो हेडशॉट में बदल जाएगा और आपका वार्मडेव हेडशॉट लग जाएगा और आपका मूवमेंट भी बहुत काफी अच्छा हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।